अरे क्या हुआ बहू को? अरे निकम्मे, तूने बताया नहीं बहू हो क्या गया? अरे माँ और दीदी, आप दोनों आपने बताया क्यों नहीं भाभी को क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा तबीयत खराब है इसकी तो कितने। हाँ, ग्लूकोज कम था और फीवर ज्यादा आ गया था। ओह नो, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी अभी। अच्छा, लेकिन देखो तो ना, मांग भरी है ना बिंदी बिंदी लगा रखी है। कैसे कपड़े पहन के आप हॉस्पिटल लेके आ गए हो? चुप कर चुगलखोर, तुझे यहाँ भी चुगली लग रही है। देख नहीं रही क्या बहू की हालत क्या हो रही है? यहाँ भी चुगली लगाने पे लग रही है। ओह नो, अरे मम्मी तेरी चुगलखोर लड़की है। देख नहीं रही क्या उसकी हालत क्या हो रही है? ठीक हुआ तेरे साथ? पूरे टाइम चुगलखोरी करती रहती है, देख तो लिया कर कहाँ पर है। कौन? अरे मैं हूँ बेटा। आप यहाँ पर कैसे? अरे बेटा तेरी इतनी तबीयत खराब है, तूने मुझे बताया भी नहीं एक बार भी। मैंने सोचा आपको बताऊंगी, आप टेंशन में आ जाओगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल एकदम तुरंत ही बताना चाहिए था बेटा, ऐसे नहीं करते। आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, एकदम फोन सबसे पहले मम्मी को फोन। मम्मी मुझे लगा आप नहीं आओगी, आप मुझसे नाराज थी ना। ऐसी कैसी नाराजगी है, ऐसे थोड़ी नाराज हो जाऊंगी। एक नाराजगी वो घर की है बेटा, और तू तो मुझे हमेशा लड़ती भिड़ती चंचल तरह से बहुत अच्छी लगती है, जब बोलती रहती है ना, बातें करती रहती है, हमारी नोकझोंक चलती रहती है, ऐसे थोड़ी लड़ाई होती है। अरे मेरे बेटा आराम कर, ठीक है? और पापा भी आ रहे हैं तेरे? अच्छा। आ रहे हैं भाई भी, बस आने वाले। अच्छा हाँ बेटा। यार मेरी सासू माम कितनी अच्छी हैं, मैं इनको कितना गलत समझती थी, आज तो नंद की बेइज्जती कर दी इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आपने मुझे उनके सामने की डांटा, मैं आपको सही तो बोल रही थी। किसी टाइम चुप भी हो जाए कर, देखती नहीं है कि टाइम क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद भी तू चुगलखोर में लगी हुई है। मैं तो बस आप बता रही, ऐसे नहीं बताते। अरे क्या हुआ ये? अरे पापा गए। अच्छा हुआ हमारे बेटे को। क्या बेटी कुछ क्या हुआ? बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था। तो बेटा बताया, जब से क्यों नहीं बताया था पहले शुरू में ही? और कौन कौन आया ये भी? अरे हम यही है ना, हम ध्यान रख रहे हैं बहू का। तुम लोग ध्यान रख रहे हो इसका? हाँ, इसी के साथ हैं। या माँ बेटी यहाँ भी कुछ, बस वो सा टेंशन देने में तो ना लग रही है अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। No. हाँ, तुम्हारा कुछ पता नहीं पड़ता है तुम्हारे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, ध्यान दे रहे हैं बहू का। और ये लखन कहाँ गया है? लखन कहाँ है? पापा मैंने उनको बिस्किट लेने भेजा भैया को, भूख लग रही है ना मुझे। यार हद हो गई तुम, मतलब यहाँ भी बिस्कुट और ये भी। यार क्या हो तुम लोग, मतलब इतना भी तुम्हें सेंस नहीं है बिल्कुल भी यार। ये क्या मतलब, उसकी तबीयत खराब है, तुम लोग बिस्कुट? कुछ नहीं, ऐसी भूख लग गई है। तमीज बिल्कुल नहीं है, सब अकल दिमाग। भूख लग गई से बैठो बैठो, बैठो नहीं, मेरे को डांटते रहते हैं, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, बैठ जा बैठ जा, खाली आराम। पापा जी अभी गुस्सा मत करो, हॉस्पिटल में हम लोग। नहीं तो फिर भी यार, इतना तो अकल दिमाग इनमें होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ठीक है, तो तुम भी बीमार कुछ नहीं, उसे लग गई होगी भूख। तमीज नहीं। पापा ये देखो मैं बिस्किट लाऊं, कौन खाएगा? आप खाओगे क्या? पापा इस टाइम भी बिस्किट और ये इतना भी दिमाग नहीं है? दिमाग नाम की चीज है ये? कुछ नहीं पापा, मुझे तो इसने बोला था लाने के लिए। यार तुम लोगों को भी है। सॉरी पापा, अब मैं इधर ही रहूंगा। तुझे बिस्किट लाने के लिए इस टाइम किसने बोला था ये? पापा इसने बोला था। अरे बाप रे, ये मरवाएंगे आज। तो इस टाइम भी ये जरूरत है, ये कहते कि कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा तू? अरे क्या है तेरे को? नो बेवकूफ, बदतमीज कहीं का। तुझे दिख नहीं रहा कितना बवाल हुआ इसी के पीछे? तमीज में रह लो, पापा बहुत गुस्से में इस टाइम। यार मम्मी आप भी दोनों के दोनों डांट रहे हो बस। चुप बैठो ना, यहाँ हॉस्पिटल है, घर नहीं है। देख नहीं रहे पापा कितने गुस्से में? मीटिंग छोड़ आया नहीं। बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा, है ना? हाँ पापा जी, हम है ना इसका ध्यान रखने के लिए, मैं यहीं पे ही हूँ और यहीं पे रहूंगी। आप एक काम करो, आपकी मीटिंग है, आप निकल जाओ। इसकी तबीयत से ज्यादा मीटिंग जरूरी थोड़ी है। हाँ पापा जी आप प्लीज चले जाओ, आपकी मीटिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यहाँ पर मम्मी जी है मेरा ध्यान रखने के लिए। अरे अब तो बहू भी कह रही है, आप चले जाओ, हम है ना ध्यान रखने के लिए। मैं भी यही हूँ, दोनों बच्चे भी यहीं पे हैं। तुम ही तो हो दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली हो तुम, बहुत बढ़िया, मैं जानता हूँ तुम्हें तो। अरे ऐसे कुछ भी नहीं कहो, ध्यान रख रहे हैं, रख रहे हैं ना बेटा हम ध्यान? हाँ ये ध्यान रख रही है, आप टेंशन मत लो, कुछ भी होगा मैं आपको कॉल करूंगी। माँ बेटी यहाँ बैठ के चुगलखोरी कर रही होंगी, बेटा बैठ के बिस्किट ढूंढता डोला है, बस ऐसे ध्यान रख रहे हैं। ठीक है तो बेटा मैं चल रहा हूँ, और कोई बात हो मुझे तुरंत बताना। और सुनो ढंग से ध्यान रखना, फिर कभी बिस्किट खाते, कोई बिस्किट खाता डोला, कोई चुगली करती घूम रही हो। ठीक है बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा वो जा रहे हैं कम से कम पापा, चले गए। अरे सुन सुन अब ध्यान रखियो, कभी वो बिस्किट ही खाते डोले, और तू सुन चुगली से बाज आ जाइयो, ध्यान रखियो इसका, कभी चुगली को उसमें लग रहा है, समझ गया ना? जी जी पापा। हाँ हाँ मैं तो आज के बाद बिस्किट ही नहीं खाऊंगा कभी। मैं तो चुगली करूंगी। कैसे रह सकती बिना चुगली करे? ये भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं, इतना तो खूब ध्यान रख रहे हैं, मैं भी रख रही हूँ, मेरी बेटी भी रख रही है, बेटा भी रख रहा है, तो ऐसे कह के चले गए कि कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा। मेरी जिंदगी तो तबला जैसी हो गई है, आते जाते हर कोई बजा के जाता है। और सुनो मैं घर जा रही हूँ, मैं बहू के लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, खिचड़ी लेकर आती हूँ इसके लिए। और ये ना कि तू फोन पर लगा रहा है, तू बिस्किट में लगी रहे, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना, पिट के मान गए तुम? मैं कह रही थी कि पापा बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, मान नहीं रहे थे,
अब थोड़ा समझ जाइए, तू भी कभी इधर उधर भाग जा। मैं जा रही हूँ, बहू का ध्यान रखियो। मम्मी मैं इसके लिए खिचड़ी लेकर आ रही हूँ, तो वाले कुछ लेके आऊँ? मेरे लिए बिस्किट ले आ। ध्यान की नहीं है, अभी भी वही बात कर रही है। फिर से बिस्किट। मुझे भी पड़ गया। अरे ये भैया कहाँ गया? ये बाहर चला जाता है, सारा काम फिर मुझे करना पड़ता है। भाभी क्या कर रही है? देख के आती हूँ। सो तो रही है आराम से। इनके तो बाल भी खुले हैं, इनको बाल खुले पसंद नहीं है, बांध देती हूँ। अरे दीदी क्या कर रहे हो? आपके बाल खुले हुए ना, बांध देती हूँ उनको। अच्छा आराम से करना, कहीं हिलना जाए। हाँ हाँ ये लो बांध दो। ऐसे बांधो या चुटिया बना दो? चुटिया बना दो, ऐसे मत बांधो, ऐसे खींचते हैं मेरे बाल। ठीक है ठीक है दीदी, अच्छे से बांधना। हाँ हाँ मैं अच्छे से बांधूंगी। क्या बात है, आज मेरी खूब खातिरदारी हो रही है। ऐसे बीमार पड़ती रहूं मैं हर महीने में एक बार, खातिरदारी भी होगी और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा खाने को। क्यों बड़बड़ा रही हो इतना? नहीं मैं कह रही थी खाने में क्या आ रहा है। मम्मी खिचड़ी ला रही है आपके लिए। खिचड़ी कौन खाता है? डॉक्टर ने बोला है सिर्फ आप खिचड़ी खा सकते हो। गोलगप्पे ले आओ, मोमोज ले आओ। क्या मोमोज? मैं कह रही थी मोमोज यहाँ पर अच्छे मिलते हैं आपको खाने, तो आप खा लेना। मैं तो खा लूंगी, पर आप तो खिचड़ी ही खाओगी। बन गई, अच्छी बनाई है आपने। मैं तो हर काम अच्छा करती हूँ। हाँ अच्छा ही करते हो, अब मैं लेट जाती हूँ। हाँ लेटो लेटो। ठीक है, कंफर्टेबल है ना? हाँ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। ठंड तो नहीं लग रही? एसी कम कर दो। नहीं नहीं सब ठीक है। वैसे दीदी एक बात बताओ, पापा जी ने आज आपको खूब डांटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो क्या है ना, वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं इसीलिए। आप सब सुन रही थी? हाँ हाँ, मुझे बेहोशी का थोड़ी इंजेक्शन लग रहा है या फिर ये ड्रिप्स चढ़ गए, तो बस सब सुना मैंने। पापा ने तो इनके सामने बेइज्जती कर दी, कहीं नहीं छोड़ते। वैसे आज ये बात पता चली कि पापा जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। चलो चलो ज्यादा मत बोलो, आपकी तबीयत खराब है इसलिए। ज्यादा ही समझ रही हूँ हूर की परी अपने को। नहीं नहीं, जब तबीयत भी खराब नहीं होती ना, तब भी वो मम्मी जी को डांट देते हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन क्या करे, वो प्यारी मुझसे इतना करते हैं, बिल्कुल बेटी की तरह, और शायद बेटी से भी ज्यादा। उनके तो मुंह में कुछ होना चाहिए था, इतना बोल रही है। चाय आ गई है, आप चाय पी लो, और बिस्किट तो आपके भैया और आपने खत्म ही कर दिए, क्या खाओगे? ठीक है मैं आती हूँ। हाँ पी लो चाय। आए बड़ी, चाय भी पियेंगी बिस्किट भी आएंगी, सब चीज चाहिए माँ बेटी को, एक चीज के बिना नहीं रह सकते। What? हद होती है। चलो ये तो अच्छा है, चाय तो मिली यहाँ पे। ये क्या बस आधा कप? Oh no! ये कितनी गंदी चाय है। क्या हुआ दीदी, चाय इतनी गंदी हो रही है? लेकिन आपसे तो अच्छी बना रखी है। ये की चाय भी अच्छी चाहिए इसे। मैडम क्वीन कहेंगी। आई बड़ी, सब चीजें अच्छी चाहिए दोनों माँ बेटियों को, एक भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। अभी देखो कोई आ जाएगा, उन पर चिल्लाएंगे कैसी चाय दी है। दीदी यहाँ पर ना आप किसी पर चिल्ला नहीं सकती हो, क्योंकि ये जो रूम है ना, और जितने यहाँ पर काम करने वाले आते हैं, अगर आपने उनको बोल दिया चाय अच्छी नहीं है, तो वो आप पर उल्टा चिल्ला देंगे, तो आप थोड़ा अपनी जबान। नहीं फ्री की चीज है, मुझे पता है मुझे यहाँ पर कितना बोलना है, मैं जा रही हूँ उधर बैठने। वही तो फ्री की चीज है तभी तो। अरे भाभी पानी। हाँ 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 ये लो ये लो। एक मिनट खड़े तो हो जाने दो। ओहो मेरे तो हाथ में भी दर्द हो रहा है। आराम से करो आराम से करो। सुनो मम्मी जी से ना बोल के स्ट्रॉबेरी मंगा लेना, पीने में दिक्कत होगी। हाँ हाँ मैं बोल दूंगी, अभी तो पी लो। खरे इतने बड़ा अच्छा पानी है, बहुत साफ लग रहा है। घर से तो आया है? अच्छा घर से, अरे हाँ ये तो मेरी बॉटल है, मैं भूल गई थी। कितना ओवर रिएक्ट कर रही है, हॉस्पिटल है क्या, फाइव स्टार होटल? सुनो सुनो लाइट्स बंद कर दो, आधा घंटा सोऊंगी, क्योंकि इसको तो 4-5 घंटे लग जाने हैं। इसने तो पर्सनल नौकर समझ लिया अपने मुझे। क्या बोल रहे हो, जल्दी करो नींद आ रही है, पापा जी का भी फोन आ रहा था। हाँ हाँ कर दे रही हूँ। कुछ बोलना तो नहीं है ना उनको? नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो। करो करो, पापा जी के बहाने इनसे सारा काम करवाऊंगी आज मैं।